तो कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे आईपीएल को लाइव देख सकते हैं, कुछ इजी प्रोसेस है, वीडियो के अंदर जरूर देखिए। तो शाम होने के बाद ही मम्मी तो रिमोट छीन लेता है और सीरियल देखना चालू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में से हॉटस्टार या अदर्स कोई स्ट्रीमिंग ऐप्स को डाउनलोड करके वहाँ पे आईपीएल का लाइव देख लेते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता, छोटा सा स्क्रीन है तो कंप्यूटर तो है ही साइड में, तो हम तो कंप्यूटर में या लैपटॉप में भी तो देख सकते हैं। देखिए वीडियो के अंत तक, आपको पता चल जाएगा कैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में से आईपीएल को लाइव देख सकते हो। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो, लेट गेट स्टार्टेड। सो मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में, आप देख सकते हैं ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। सो सबसे पहले ओपन कीजिए गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा सिंपली क्रोम एक्सटेंशन, CROM क्रोम एक्सटेंशन। ओके आ गया है क्रोम एक्सटेंशन, तो क्रोम एक्सटेंशन आ गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन स्टोर में हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे जियो टीवी वेव यूनिवर्सल। सो यहाँ पे सर्च करेंगे जियो टीवी वेव, यही सर्च करते हैं तो जियो टीवी वेव यूनिवर्सल। सो देख सकते हैं यहाँ पे है जियो टीवी वेव यूनिवर्सल, तो इसको हम ऐड टू क्रोम करना होगा। तो इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, तो ऐड एक्सटेंशन। सो ऐड एक्सटेंशन हो गया है, तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद फिर से क्रोम को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जब आप लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ठीक कोने में। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखा रहा जियो टी वी वेव एक्सटेंशन, तो सेटिंग में जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हम इसको ओपन करते हैं जियो टी वी क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जियो टी वी एशिया टी वी। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे स्पोर्ट टी वी, तो स्पोर्ट टी वी ओपन हो रहा है। तो स्पोर्ट टी वी ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे चैनल दिखा रहा है, बहुत सारा तो ESPN बहुत सारा दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी एक चैनल को हम चला के देखेंगे, ESPN चैनल को यहाँ पे चला के देखते हैं कैसा चल रहा है या नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम है, द वीडियो कैन नॉट बी प्लेड एरर। सो अभी एरर आ रहा है, तो कोई अदर्स कोई चैनल को चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चैनल चलाया जाए, तो डी स्पोर्ट को देख लेते हैं चला के, DG Sport 1। सो डी स्पोर्ट देख लेते हैं, तो ये भी नहीं चल रहा है। तो कौन सा चलाएंगे, स्पोर्ट मैक्स, सो इसको स्पोर्ट मैक्स चला के देख लेते हैं, ये भी नहीं चल रहा है। सो IPL लाइव वेट, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा और भी चैनल है। तो यहाँ पर से हम देखते हैं तो GTV HD Set HD, तो Set HD को चला के देख लेते हैं, तो चलेगा अभी, देख सकते हो लाइव दिखा रहा है। तो पॉज कर देंगे क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ पर से आप क्वालिटी, मतलब कौन से क्वालिटी में आप देखना चाहते हो वही क्वालिटी भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जब आपको IPL का लाइव स्ट्रीम देखना होगा तो आप जिस चैनल में देखना चाहते हो तो उसी चैनल को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा। सो कौन से चैनल आप चला के, तो मैं एक बंगाली हूँ तो मैं जी बांग्ला चला के देखता हूँ एक बार कैसे चल रहा है। सो देख लेता हूँ बंगाली टीवी हमारा आ रहा है या नहीं, चल रहा है ना। हाँ सर, जितना हमने फेस से यूज़ करे हमने जितने पुनः, तो चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी चैनल चल रहा है, और वो वाला जो चैनल चल रहा नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं चल रहा था, तो बाकी सब चैनल चल रहा है यहाँ। वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।